पितामह के नेत्रों से अश्रु बिंदु टपक पड़े कि देखो मुझ आतताई ने तीखे तीखे बाणों से आपका कवच तोड़ डाला था। रुक ही नहीं रहे थे पितामह, बाण पर बाण चला रहे। अब भाई ये तो भक्त और भगवान के बीच की बात है। जैसे किसी ने अभी पूछा कि पितामह ने श्री कृष्ण पर बाण क्यों चलाए, वो तो उनके आराध्य थे। अब भाई इस बात का तो उत्तर किसी के पास नहीं है। कर्माबाई ने जूठे दातुन से खिचड़ी क्यों हिलाई और जगन्नाथ जी ने आकर वही खिचड़ी क्यों पाई? जब किसी साधु ने आकर कर्माबाई को समझाया भाई ये तो ठीक रीति नहीं है, तो भगवान उल्टे साधु को ही डांट रहे हैं, बोले हमारे और हमारे भक्त के बीच में आने वाले तुम कौन हो? आप शायद भूल गए, इस चर्चा के आरंभ में ही मैंने कहा था भक्ति क्रिया प्रधान नहीं है। यहां पर किसी वस्तु का महत्व नहीं है। बात यह नहीं है कि प्रभु को क्या चढ़ाया जा रहा है, बात यह कि कैसे चढ़ाया जा रहा है। पितामह भक्ति में भर भर कर बाण चला रहे हैं, कह रहे प्रभु मेरे पास इस समय युद्ध भूमि में आपकी आराधना करने के लिए बाण ही तो है, ना पत्र ना पुष्प, कुछ भी तो नहीं है यहां। और कहते खाली हाथ ईश्वर आराधन नहीं करना चाहिए, कुछ ना हो तो भाई तुलसी दल ही निवेदन करो, पुष्प निवेदन करो, अरे और कुछ ना हो तो चुल्लू भर जली भगवान को निवेदन करो। खाली हाथ भगवत आराधन नहीं किया जाना चाहिए। बोले हे केशव इस समय और कुछ तो है नहीं मेरे पास, हृदय का भाव है और मेरे तर्कस के तीखे बाण है, लो इन्हीं से आपकी पूजा करता हूं, इन्हीं से आपकी आराधना करता हूं। पर कोई भूले ना, ये मत देखो पितामह बाण चला रहे हैं, आप ये देखो पितामह की मनोदशा क्या है, उस समय भीष्म जी की भाव दशा क्या है, कहां दूर खड़े कैसे वो एक टक श्री कृष्ण का निरंतर दर्शन कर रहे हैं। उनको ये भी दिखाई पड़ रहा है कि श्री कृष्ण के कमल जैसे मुख पर वो जो काली घुंघराली अलकावली लटक रही है ना, घोड़ों की टाप से उड़ने वाली धूल से वो लटे मैली हो गई है। पितामह बता रहे हैं प्रभु कैसे आपकी वो लटे मैली हो गई थी, घोड़ों की टाप से धूल उड़ती थी, वो धूल जा लगती थी, सौंधे से सने आपके उन काले घुंघराले केसों पर और वो अलकावली मटमैली हो गई थी, वो काले घुंघराले मटमैले से केस और उनके पीछे वो आपका मुख कमल। पितामह कह रहे प्रभु मैं वो झांकी भूलता नहीं। अरे तभी जो ठाकुर जी ने पूछा आप युद्ध कर रहे थे या आपका ध्यान हमारी ओर ही था, हमें ही देख रहे थे आप। एक बहुत बड़ा भाव यहां पर प्रकट होता है कि आप देखो उस भयंकर युद्ध की स्थिति में भी आप देखो पितामह की भावना कितनी स्थित है, स्थिर है श्री कृष्ण में। युद्ध हो रहा है, कोलाहल मचा है चारों ओर, पर पितामह की भक्ति में, पितामह की भावना में कोई विक्षेप नहीं है। मन उसी प्रकार श्री कृष्ण में लगा है जिस प्रकार वो नित्य निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान समाधि में बैठ कर करते हैं। इसे ही तो गीता में भगवान ने स्थित प्रज्ञ कहा है। इसी स्थिति का तो बार बार मैं आपसे निवेदन करता हूं भाई, यही हमारा लक्ष्य हो। जो सुख दुख लगी रहे देह सो मिट जाई और लोक बढ़ाई, बाहर की जो स्थिति है उसका हमारी मन की भावना पर, भाव भावना पर कोई प्रभाव ना पड़े। अगर जब तक बाहर की स्थिति का भीतर प्रभाव पड़ेगा तब तक भीतर ना कभी शांति आ सकती है ना कभी स्थिरता आ सकती है। और मुझे ऐसा लगता है ये दोनों दो बातें नहीं है, एक ही बात है। मन की स्थिरता ही मन की शांति है, मन की शांति अर्थात मन की स्थिरता। जब तक बाहर घटने वाली घटना का भीतर प्रभाव पड़ रहा है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ, भली हो या बुरी, तब तक भीतर स्थिरता नहीं है। और जब तक भीतर स्थिरता नहीं है, आपकी भाव दशा स्थिर नहीं है, तब तक प्रभु की अनुभूति असंभव है भाई। तब तक रस की अनुभूति नहीं होगी। जैसे ध्रुवदास जी ने कहा आवत जात न जानिए जैसे छांह और धूप। तो पितामह ने कहा कि प्रभु यहाँ बाण है, इन्हीं से आपकी पूजा कर रहा हूं, इसीलिए कहा प्रसाद में भी आप मुझे बाण ही देना, मैं स्वीकार करूंगा। और महावीर है वो, और धर्म उनका प्राण है, आजीवन उन्होंने धर्म की रक्षा की है, धर्म साधन किया है, और पहले ही श्लोक में कहा ठीक प्रकार से किया है। मैं एक बार फिर आपका ध्यान ले आऊं इस बात की ओर, कल भी आपसे मैंने कहा था आप पूजा करने बैठे हैं लेकिन अगर पूजा की विधि ठीक नहीं है ना। अब पूजा करना काम तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा काम है आप पूजा करने बैठे, लेकिन अगर पूजा की विधि ठीक नहीं है तो फिर कार्य सिद्धि नहीं होगी। ऐसे ऐसे आपका लक्ष्य भी अच्छा हो और उस लक्ष्य तक पहुंचने की जो विधि है वो भी गुरुजनों से आपने ठीक प्रकार से जानी हो। इसीलिए सेवक जी ने कहा है प्रथम ही सेवाओं गुरु के चरण, उसका भी ज्ञान होना चाहिए।